राज्यसभा के भीतर हाल में जो कुछ भी हुआ बारह सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्या उसकी जरूरत थी पिछले सत्र के मामले को इस सत्र में लेकर आ गया मुझे पता है कि वो राज्यसभा का मामला है लेकिन चूंकि आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसका जवाब पूरा देश आपसे जाना चाहेगा चित्रा जी लोकसभा की नियम प्रक्रिया में है कि किसी भी दूसरे सदन की न तो चर्चा करना न उसके बारे में टिप्पणी करना मैंने संसद में अभी कल ही माननीय सांसदों से आग्रह किया था कि किसी भी दूसरे अपर हाउस या लोअर हाउस किसी भी संसद के अन्य सदनों के अंदर न तो उन, उन उठे सदनों पर चर्चा की जाती और न पीठासीन अधिकारियों पर चर्चा की जाती ये हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है ये हमारी नियम प्रक्रिया है और इन नम प्रक्रियाओं को हम सब मानते हैं इसलिए दूसरे सदनों की चर्चा हम हमारे सदन में भी नहीं करते और उस पर टिप्पणी भी नहीं करते लेकिन जो लोग बाहर हैं वो आपसे पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या उसकी जरूरत थी या फिर नहीं थी उनको भी बोलने का मौका दें क्योंकि सत्ता पक्ष तो है ही लेकिन विपक्ष की आवाज भी उतनी ही पुरजोर तरीके से अगर दोनों ही सदनों में उठेगी तो यकीन उसे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा जो विपक्ष के लोग हैं यकीनन वो आपको सुन रहे होंगे और उनको उम्मीद होगी कि आप जरूर कुछ बोलेंगे मैंने आपको आग्रह किया कि लोकसभा स्पीकर के नाते भी हमारा दायित्व होता है कि हम नियम प्रक्रियाओं से चलें और हमारी नियम प्रक्रियाओं के अंदर है कि किसी भी दूसरे सदन में उठी चर्चाओं को दूसरे सदन में चर्चा न करना वहां पर हुई घटनाओं की चर्चा न करना इसलिए राज्यसभा क्योंकि अपर हाउस है और अपर हाउस के कारण न तो उस हाउस की हम चर्चा करते न उनकी कोई कार्रवाई के बारे में अपनी टिप्पणी देते लेकिन यह कहां का नियम है जब पत्रकारों को सदन के भीतर नहीं जाने दिया जाए उनकी संख्या सीमित कर दी जाए उनका तो काम ही है आप लोगों के पास जाकर रिपोर्ट करना वहां से जानकारी इकट्ठा करना जितने भी पत्रकार संसद भवन कवर करते हैं उनके जहन में यह सवाल है कि कैमरे के साथ अंदर जाने की कि इजाजत पत्रकार अभी अंदर हैं कितने पत्रकार अभी अंदर हैं इस समय सभागार में नहीं वहाँ संसद भवन में कितने लोगों को अलाव कर रखा है हमने आपने आपके क्या आज तक के कितने संवाददाता है वहाँ पर हमारी तो पूरी टीम जाती है वहाँ पर हाँ तो सबकी टीम आ जाती है कैमरे को कब ले जाने की इजाजत देंगे आप? 109 से ज्यादा पत्रकार अभी वहाँ पर हैं कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हम संसद का सत्र चला रहे हैं इसलिए दर्शक दीर्घा के अंदर भी हमने किसी को अलाउ नहीं किया है क्योंकि दर्शक दीर्घा के अंदर भी माननीय संसद सदस्य बैठे हैं और इसी तरीके से चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्राइवेट सेक्रेटरी हो या मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी हो या मंत्री का स्टाफ हो किसी को भी इस कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत हमने सदन में अलाउ नहीं किया क्योंकि पत्रकार हमारा लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है इसलिए उनको पर्याप्त सभी पत्रकारों को उनकी जितना बड़ी उनकी लोकप्रियता है और जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर उनको अलाउ किया है और अभी 109 है भविष्य में जैसे ही कोविड कम होगा उनको पूर्वती व्यवस्था के तहत उनको निश्चित रूप से संसद की कार्रवाई कवर करने के लिए पास जारी किए जाए हमें इंतजार रहेगा उस तारीख का जब सभी को इजाजत मिल जाए अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हुए चूंकि लोकसभा में आप जिस तरह से कामकाज करा रहे हैं चाहे इसके पहले मानसून सत्र में जाए या भी शीतकालीन सत्र में लेकिन कई विधानसभा या फिर कई बार ऐसा हमने लोकसभा राज्यसभा की समय सीमित कर दिया जाता है या उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है और जो मर्यादा और जो आचरण बार बार वहां से जिस तरह की तस्वीरें देश के सामने आती हैं, वो लोगों को सोचने पर विवश करती हैं कि क्या होता है लोकतंत्र के मंदिर में चित्रा जी आपने बहुत सवाल सही उठाया अभी शिमला के अंदर पीटासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन हुआ था जिसमें सौ साल में पीटासीन अधिकारियों के किए गए निर्णयों की समीक्षा की गई थी उसमें विशेष यह भी था कि लगातार राज्य के विधानमंडलों की या देश के विधानमंडलों की संख्या बैठकों की संख्या कम होती जा रही है इसके लिए पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में चिंता व्यक्त की थी अब भी हमने चिंता व्यक्त की है कि राज्यों के अंदर विधानसभाओं के अंदर पर्याप्त बैठकों की संख्या हो पर्याप्त चर्चा हो पर्याप्त संवाद हो मुझे आशा है भविष्य में हम सब कोशिश कर रहे हैं सामूहिकता के समय कि सभी राज्य के विधानमंडलों के अंदर या देश के विधानमंडलों के अंदर पर्याप्त बैठकें हों ताकि पर्याप्त लोगों को चर्चा हो सके और पर्याप्त विधायक कार्य हो सके यह हमारी कोशिश है और जो आपने कहा कि शालीनता गरिमा का यह प्रश्न इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों में सभी अध्यक्षों ने चिंता की थी 2001 के अंदर पीटासीन अधिकारी सम्मेलन के अंदर सब दल के नेता आए थे सब दल के नेताओं ने कहा था कि हम शालीनता रखेंगे हम सदन की मर्यादा रखेंगे गरिमा को बनाए रखेंगे हमने इस बार भी निर्णय किया है कि सदन में शालीनता हो सदन में अनुशासन हो सदन की गरिमा और मर्यादा बढ़े इसके लिए पीटासीन अधिकारी तो प्रयास करेंगे सही हमारा सभी दलों से आग्रह है कि ये लोकतंत्र के मंदिर चर्चा संवाद के लिए स्वस्थ चर्चा के लिए है इसमें चर्चा संवाद होना चाहिए इन सदनों के अंदर नारेबाजी तख्तियाँ लहराने का काम किसी भी तरीके से न तो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप है न इसको करना चाहिए मुझे आशा है हम सभी दलों से फिर चर्चा करेंगे फिर संवाद करेंगे और सदनों के अंदर शालीनता गरिमा को बनाए रखेंगे